लेकिन क्या हम अपने गुस्से के जो एलिमेंट हैं या जो अनासर हैं गुस्से के, क्या हम उनके सामने हमेशा बेबस ही रहेंगे? क्या हम सोचेंगे नहीं कि इसके नतीजे बुरे निकल रहे हैं? तो आपका नुक्ता नज़र जो है वो ही है, लेकिन जो अंदाज है तकरीबन ज़्यादातर बापों का इंटिमिडेटिंग होता है, आपका भी है ना, उसके ऊपर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बहुत कि उसके ऊपर तब्दीली लानी पड़ेगी, तो ये बच्चा जो है आपके पाँव में भी बैठेगा, ये आपकी खिदमत भी करेगा, ये अच्छी ज़िंदगी भी गुजारेगा, क्योंकि इस रिश्ते में ताकत नहीं चाहिए, इस रिश्ते में फोर्स काम नहीं करती, तदबीर काम करती है, मोहब्बत काम करती है। और अपने बच्चों के साथ बेपनाह मोहब्बत करें, उनकी बेपनाह इज्जत भी करें, बातें माननी है कि नहीं माननी वो मेरिट पे कर लें। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बातें माने, जबकि आम तौर पर वालदैन बच्चों की बहुत बातें मानते हैं। मैं देखता हूँ इर्द गिर्द इतनी बातें मानते हैं। बच्चों की बात मानना ना मानना विजडम के फिल्टर में से गुजार के कर दें, लेकिन बच्चों पे कड़ी निगाह डालना, बच्चों पे गुस्सा करना, वो दिन याद करें कि जब आपने इनको पैदा किया था और जब ये दुनिया में आए थे तो आपके जज्बात क्या थे और कितनी चाहतों से आपने इनको पैदा किया था और कितनी मन्नतों मुरादों से आपने इनको पैदा किया था। तो फिर उन्हीं पे गुस्सा करना, मुझे इट डजंट मेक सेंस। अपने बच्चों से कभी गुस्सा नहीं किया, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, और हमेशा हमेशा सारी ज़िंदगी जब वो मेरे पास आए हैं तो उनके बैठने के लिए जगह बनाई, जब वो मेरे पास आए हैं तो उनको बाहर दरवाजे तक गाड़ी तक छोड़ने गया, गले लगाया, प्यार किया, फिर रुक सकता। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ है, ये अगर आप भी अपना लें तो आपका कोई भी गिला शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि मोहब्बत से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ये कोई भी नहीं होती दुनिया में। बच्चों का काम निकलता है जब बच्चे आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो बच्चों का तो काम निकलता है, और जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका तो कोई काम नहीं निकलता। आप देखा करें ना कि बच्चे तो सियाने हैं, अगर आपसे दो झिड़कियां खा के उनको उनकी बात मानी जाती है या उनको पैसे मिल जाते हैं या उनको कोई फायदा हो जाता है, तो सियाने ने कि माँ प्यो दियाँ झिड़का केड़ियाँ होंदियाँ रेडियाँ, माँ प्यो दियाँ से मतलब वो कहते हैं ना माँ प्यो दियाँ गालां ते दूध क्यों दियाँ नाला, लेकिन मिसालें देखें कैसी कैसी बनी हुई। वो ऐसा होता है कि जब हम उन्हें नाराज़ करते हैं और राज़ी करने के लिए पैसे देते हैं या उनकी बात मानते हैं, तो वो ये तरीका सीख लेते हैं कि रुस्से रुस्से रहो तो गलां मनियाँ जानियाँ। ये एक चीज़ जो है बच्चे सीख लेते हैं, लेकिन अगर आप रहें राजी बाजी, प्यार करें बहुत ज़्यादा, तो गल मनो कोई भी ना, गल अपनी मर्जी देना। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।